हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज देखो, मैं एकदम देसी स्टाइल में रेडी हो चुकी हूँ। और ये देखो, ये मैंने आज इयररिंग्स पहने हैं। ये यहाँ पे पता नहीं ये ड्रेस पे मैच हो रहे हैं या नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े थोड़े मैच तो हो ही रहे होंगे। तो ये जो इयररिंग्स है वो मेरी भाभी ने मुझे गिफ्ट दिया था। और ये देखो, ये वाले मैं बैंगल्स पहने हैं। ये देखो, ये कैप्चर नहीं हो पा रहा है बट ये मैचिंग है, इसलिए ये वाले बैंगल्स पहने हैं। एक ही पहना है एक्चुअली। ये इसके मतलब पूरा एक सेट था गोल्डन और ये वाला कलर में। तो मैंने पूरा सेट तो नहीं पहना क्योंकि मुझे आज काम करना है, तो काम के वक्त पे पूरा सेट पहनकर मुझसे तो नहीं होगा काम। तो इसलिए मैंने आज ये एक ही बैंगल्स पहने हैं। ये देखो, यहाँ पे एक हाथ में और यहाँ पे एक हाथ में पहना है। और ये इस तरह से मेरा ड्रेस है, वो मैं आपको पूरा बाद में दिखा दूँगी। और ये है दुपट्टा, पूरा कॉटन का ड्रेस है, मुझे बहुत ही पसंद आता है ये, इसलिए आज मैंने पहन भी लिया। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारा आज काम है मुझे और पता नहीं मैं सारा काम कर पाऊँगी या नहीं, बट फिर मैं कोशिश करूँगी सब कुछ काम करने की। तो चलिए आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। आज मुझे यहाँ पे सारा क्लीनिंग का काम करना है क्योंकि बहुत सारा काम बाकी था। और मैं कब से सोच रही थी कि मुझे डीप क्लीनिंग करना है बट नहीं हो पा रहा था। तो आज मैंने सोचा है कि मुझे डीप क्लीनिंग करना ही है। क्योंकि क्या है ना कि आज एक्चुअली आज राज नहीं है घर पे। वैसे वो तो हर रोज़ नहीं होता है बट आज वो मतलब छुट्टी है, इसलिए वो गाँव चला गया है और मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरा यहाँ पे काम भी था और वहाँ पे उतने इंटरनेट का मतलब ठीक से स्पीड भी नहीं होता, तो इसकी वजह से मैं नहीं गई हूँ। तो आज मैं अकेली हूँ घर पे, तो खाना बनाने का भी इतना टेंशन भी नहीं है क्योंकि क्या होता है ना कि हम अकेले होते हैं तो हम अपने लिए इतना कुछ नहीं बनाते, कुछ मतलब साथ में कुछ हो तो उनके लिए बनाना ही पड़ता है। बट इसलिए मैंने आज खिचड़ी बनाई है, जो दाल खिचड़ी होती है ना, सिंपल सी वही बना दी है मैंने। कुछ शूट नहीं किया उस वक्त क्योंकि क्या हुआ कि सुबह हम एकदम से लेट उठे थे और लेट उठने के बाद ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया। मैंने सोचा कि चलो मैं बाद में शूट करती हूँ, अभी उतना मेरे पास टाइम भी नहीं था। तो अभी खिचड़ी वगैरह बना दी मैंने और अभी बस रेडी हो चुकी हूँ। तो चलिए मैं बाकी का काम कर लेती हूँ क्योंकि अभी बचे हैं 11 बज चुके हैं और अगर मैं और भी बात करूँगी तो 12 बज जाएंगे यहाँ पे और मेरे काम के भी 12 बज जाएंगे। इससे अच्छा है कि मैं अपने काम को शुरू कर देती हूँ। तो पहले मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे जो बेडरूम है उसका मैं क्लीनिंग करूँ क्योंकि यहाँ पे ऊपर ना बहुत सारी मतलब बहुत नहीं है बट थोड़ी बहुत चालियाँ वगैरह है वो गिरी है, तो इसकी वजह से वही मुझे करना है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो अभी मैं ना यहाँ पे ये जो कपड़े हैं उनको रख रही हूँ क्योंकि क्या होता ना कि कल मैंने कपड़ों को धोया था और वो ना अच्छे से सूख नहीं गए थे, थोड़े से मतलब थोड़े हल्के से गीले थे, तो इसकी वजह से मैंने रात को ऐसे ही उसको सूखने के लिए रख दिया था। अभी मुझे याद आ गया कि मैंने कपड़े बाहर रख दिए थे, अभी मुझे उनको मतलब वो सूख गए तो मुझे अभी ठीक से उनको रखना भी है, तो इसलिए मैं बीच में वही काम छोड़कर पहले कपड़ों को मतलब रख रही हूँ और अभी इसको मैं अच्छे से कबर्ड में रख दूँगी और बाद में बाकी का काम शुरू कर देती हूँ। तो ऊपर का जो झाड़ू मारना था ना वो मैंने कर दिया है। अभी जो ऊपर का जो कचरा है ना वो नीचे गिर गया है, इसलिए मैं नीचे से मतलब अच्छे से झाड़ू लगा कर ले लेती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो विंडो के पास ना बहुत सारी धूल बैठी है तो वो भी मुझे साफ़ करनी है, तो वो भी मैं कभी कर लूँगी। तो
तो यहाँ पे मैंने विंडो की जो सफाई है ना वो कर दी है। अभी मैं यहाँ पे इस बेड को ठीक ठाक से रख दूँगी। तो यहाँ पे जो ऊपर कुशंस वगैरह जो भी है ना वो साइड पे रख दे रही हूँ मैं, और जो बेडशीट है उसको मैं थोड़ा सा ठीक ठाक से रख देती हूँ। वैसे इसके ऊपर ना मैंने मतलब ऊपर का जब साफ़ कर रही थी ना मैं, तो तभी मैंने इसके ऊपर ना बेड के ऊपर मैंने चटाई डाल दी थी, ताकि उसके ऊपर जो ऊपर के जो कचरा है ना वो इसके ऊपर ना गिरे। बट फिर भी धूल वगैरह मतलब जाती ही है, हम कितना भी उसको रोकने की कोशिश करें वो तो हो ही जाता है। तो इसके वजह से मैं फिर से इस बेडशीट को बस रख रही हूँ ठीक ठाक से। अभी मैं आई हूँ हॉल में, और हॉल के यहाँ पे ऊपर का जो है ना वो झाड़ने वाली हूँ। वैसे हॉल में इतना मतलब ऊपर वगैरह ना जालियाँ वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो इसके लिए मुझे ये ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैंने बीच में ना एक दिन साफ़ कर दिया था हॉल का जो था। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा ही साफ़ करना है, वो मैं कर लूँगी, और उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी। और किचन में वैसे जो डिब्बे है ना उसके ऊपर बहुत ही मतलब ज़्यादा धूल वगैरह है, तो उसी को मुझे ज़्यादा ठीक ठाक से साफ़ करना पड़ेगा। तो मैंने इन डिब्बों को ना नैपकिन से अच्छे से पोंछ कर ही वहाँ पे अपनी जगह पर ठीक से रख रही हूँ, तो ताकि ना वो जो धूल है ना वो निकल जाएगी, क्योंकि पोंछ कर ही सारा सब कुछ रखना पड़ता है, नहीं तो वो धूल इतनी आसानी से नहीं जाती। तो चलिए मैं अभी सब कुछ यहाँ के क्लीनिंग है ना वो मैं कर देती हूँ। तो किचन का क्लीनिंग मैंने अच्छे से कर दिया है, और अभी मैं यहाँ पे ना जो मेरा कबर्ड है, मिरर है, चेयर, ड्रॉअर्स, जितना भी सब कुछ है ना मेरा, उसको मैं अच्छे से साफ़ करने वाली हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि हम जब ऊपर मतलब सीलिंग के यहाँ पे जब झाड़ू करते हैं, मारते हैं ना, तो उसके ऊपर का जो सारा कचरा होता है ना वो इन सारी चीज़ों पर गिरता है, जैसे कि कबर्ड पर गिरता है, मिरर पर गिरता है, विंडो पर भी थोड़ा गिरता है, और डूअर्स पर भी गिरता है, चेयर भी होती है वहाँ पर भी गिरता है। तो ये सारी चीज़ों को मैं अभी जो नैपकिन होता है ना उसको मैंने गीला कर उसी से ही अभी मैं पोंछ लूँगी। इन सारी चीज़ों को साफ़ करने के बाद ना मैं यहाँ पे अभी फर्श को पोछा मार रही हूँ, तो पूरे घर को मैं पोछा मारूँगी, और बस यहाँ पे मेरा पूरा घर जो है वो क्लीन हो जाएगा। अभी आपको दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह से जो है सब कुछ ठीक ठाक से सफाई कर दी है। ये देखो ऊपर ना बहुत सारी जालियाँ जमा हुई थी, बहुत मतलब थोड़ी बहुत जमा हो गई थी, वो सारी जालियाँ मैंने निकाल दी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है ना इस विंडो के यहाँ पे ना बहुत सारी धूल वगैरह बैठी थी, तो उसको भी मैंने ठीक से क्लीन कर दिया है। इसको भी मैंने पोछा मार कर लिया है, और ये देखो ये इस विंडो को सॉरी इस मिरर को भी देखो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे मैंने एक इस कोने में बॉक्स रखा था जो मेरे इयररिंग्स का था, वो भी मैंने यहाँ से हटा कर जो कबर्ड है मेरा यहीं पे मैंने रख दिया है। क्योंकि क्या हुआ था ना कि वहाँ पे धूल बहुत सारी आती थी, तो इसलिए मैंने वहाँ से उसको हटा दिया है। और अभी यहाँ पे मैं आई हूँ हॉल में, और हॉल में भी देखो मैंने ठीक से सब कुछ यहाँ पे भी ना बहुत सारी जालियाँ मतलब थोड़ी बहुत जालियाँ जमा हो रही थी, उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है। अभी आप देखोगे ना तो बिल्कुल भी जालियाँ आपको दिखाई नहीं देगी। और यहाँ पे भी मैंने इन कुर्सियों के ऊपर भी ना चेयर के ऊपर भी बहुत सारी धूल थी, उसको भी मैंने हटा दिया है। यहाँ पे देखो मैंने पानी की बॉटल्स रखी है, ये देखो इतनी बॉटल मैंने ख़त्म किया है पानी पीकर बहुत ही प्यास लग रही थी बीच बीच में, तो बस पानी पी रही थी और काम कर रही थी। और यहाँ पे ये देखो मैंने इस कोने में भी इसको भी ठीक से रख दिया है, और
इस विंडो के यहाँ पे भी धूल थी, उसको भी मैंने हटा दिया है। अभी हम चलते हैं किचन की ओर। और किचन के यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे फ्रिज के ऊपर भी ना धूल बैठती रहती है, तो इसको भी मैंने ठीक से पोछा मार दिया है। और ये है मेरा किचन काउंटर, जो कि आपने हर रोज़ तो आप देखते ही हो, तो ये तो वैसे क्लीनिंग मतलब मैं रखती हूँ ठीक ठाक से ही, तो यहाँ पे उतनी धूल नहीं रहती है क्योंकि मैं हर रोज़ उसको साफ़ कर देती हूँ। यहाँ पे भी विंडो के ऊपर थोड़ी बहुत धूल जमा हुई थी, वो भी मैंने अच्छे से पोछा मार कर लिया है। और अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो जगह है, यहाँ पे बहुत सारी धूल थी, ये देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे तो भी है। प्याज वगैरह मैंने रख दिए है, वो आप थैली देख रहे हो ना, वो सारी जो थे बैग्स वगैरह होती है ना, कैरी बैग्स वगैरह, मैं उसी थैली में रख देती हूँ ताकि आसानी हो जाती है हमें मिलने में भी। और यहाँ पे ये सारे मेरे डिब्बे हैं, ये भी मैंने देखो ठीक ठाक से अभी डिब्बे को भी रख दिया है। एक्स्ट्रा के डिब्बे वहीं पर बीच में आपको दिखाई देगी, यहाँ पर भी एक्स्ट्रा के डिब्बे हैं। और अभी यहाँ पे ये जो सिलेंडर है ना, उसको मुझे उसके ऊपर कपड़ा रखना था, बट अभी कपड़े को मुझे ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे है, जो मतलब बेड में ही मैंने रख दिया है, पर फिर भी मुझे यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, तो मैं बाद में उसको उसके ऊपर कपड़ा रख दूँगी। और यहाँ पे ये हमारा खाने का डिब्बा, और ये मैंने ऊपर रख दिया है क्योंकि क्या है ना कि ये पूरा डिब्बा भर चुका है और ये चीज़ें नहीं रह रही है इसके ऊपर, इसमें, तो इसलिए मैंने इसको ऊपर ऐसे रख दिया है। और यहाँ पे ये सारे डिब्बे हैं, इसमें मैंने ठीक से उसको रख दिया क्योंकि इसके ऊपर भी ना बहुत सारी धूल बैठी थी। यहाँ पे ये देखो, इसमें पर भी ना बहुत सारी धूल थी, ये भी मैंने क्लीन कर दिया है। और अभी मैं यहाँ पे इस तरफ आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे भी मतलब यहाँ इसके पीछे ना बहुत सारी धूल थी, ये भी कहीं कुछ इस डिब्बे में कुछ भी रख दिया है मैंने। ये है मेरा ये बकेट है, इसमें भी सारी मेरी ये जो बर्तन होते हैं वो मैं रख देती हूँ, तो यहाँ पे भी बहुत सारी धूल बैठती थी, तो उसको भी मैंने ठीक ठाक से साफ़ कर दिया है। तो ये आपको अभी इस तरह से दिखेगा, ये देखो ये अभी यहाँ पे इस तरह से है। और यहाँ पे है मिक्सर वगैरह, जो एक्स्ट्रा आटे वगैरह होते हैं या फिर क्या बोलते हैं वो राइस वगैरह होते हैं ना, वो मैंने यहाँ पे रखे हैं। यहाँ पे नारियल भी है, और ये मिक्सर, ये भी क्या बोलते हैं वो है, तो यहाँ पे मैंने सब कुछ ठीक ठाक से रख दिया है। और अभी देखो सारा क्लीनिंग वगैरह मेरा हो गया है। तो अभी आपने देख लिया ना कि मैंने किस तरह से क्लीनिंग कर दिया है, मुझे ना बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ना बहुत मतलब ना धूल ना कहाँ से आती है कुछ पता ही नहीं चलता, बहुत सारी धूल आती रहती है, तो इसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो आज मैंने क्लीनिंग भी कर दिया, और वैसे भी आज भी नहीं था तो मैं ब्लॉग बना कर ना भी थोड़ा सा यह होता है हर रोज़ क्या वही रूटीन या फिर वही खाना दिखाना वगैरह, तो आज मैंने सोचा कि नहीं आज मैं क्लीनिंग ही करती हूँ और आपको भी दिखा देती हूँ कि मैं कैसे क्लीनिंग करती हूँ। हाँ, वैसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मुझे ठीक ठाक से रखना भी है, बट अभी नहीं हो पाया है क्योंकि अभी कितने बजे हैं मैं आपको बताती हूँ, अभी 2 बज चुके हैं, मतलब मैंने 11:30 मैंने बोल सकती 12:15 को वैसा या 12 बजे मैंने काम शुरू कर दिया, वो 2 बजे तक ख़त्म हो गया है, मतलब देखो 2 घंटा मैंने पूरा काम कर दिया। और अभी भी बहुत सारी चीज़ें वैसे मुझे और भी करना था काम, बट वो नहीं हो पाया क्योंकि जो किचन काउंटर का ऊपर का वह है ना, वो स्टैप वगैरह लगा दिए, वही पर मुझे ना अच्छे से मतलब क्लीन करना था, बट वो नहीं हो पाया। और अभी 2 बज के तो मुझे भूख भी लगी है, तो मैं अभी खाना खाने वाली हूँ क्योंकि काम करते करते ना आपको पता ही है कि कितनी भूख लग जाती है। तो बीच बीच में मैं ना पानी भी पी रही थी क्योंकि प्याज भी इतना ज़्यादा लगती है जब हम काम करते हैं ना कुछ, तो प्याज तो लगती है, तो प्याज पूरी 1 बोतल मैंने खाली कर दी है। और अभी मैं खाना खा लूँगी, और मैंने आपको बता दिया है कि आज मैंने खिचड़ी बनाई है, तो अभी वही खा लूँगी। तो आई होप कि आपको ये मेरा जो क्लीनिंग का वीडियो है वो आपको पसंद आया हो। अगर आपको मेरा क्लीनिंग का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और तो चलिए मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।